वेलकम टू ऑनलाइन गुरु जी क्लासेस दिस इज पार्ट ऑफ लेक्चर सीरीज ऑन दोज हु आर दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिक्वेस्ट प्लीज टू वॉच ऑल पार्ट्स दैट इज पार्ट पार्टन टू फिफ्टीन बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो क्लियर जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरु जी को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरु जी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्लियर एंड नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक बताइया क्लियर मैं विश करता हूं प्रे करता हूं कि माँ दुर्गा आपके सारे सपनों को पूरा करे क्लियर आपका सिलेक्शन हो जाए आप जो अपना डिजायर पोस्ट चाह रहे हैं कोई जो बैंक पीओ बनना चाहता है वो पीओ बन जाए कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए जो सीबीआई में जाना चाहता है वो सीबीआई में चले जाए जो भी अपना जो भी डिजायर के साथ मेहनत कर रहा है उसके सारे डिजायर फुलफिल हो जाएंगे क्लियर बट आप लोगों ने अपने तरह से अपना हंड्रेड परसेंट देना है बस यही याद रखना क्लियर ओके ठीक है अच्छा अभी तक के पार्ट की अगर मैं डिस्कस करूं तो आई गेस मैंने इनिशियली बोला था कि इसमें ट्वेंटी पार्ट्स होंगे मैंसूरेशन में ठीक है बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस सेवनटीन ही पार्ट होंगे इस पर ठीक है अब बस हम लोगों का एक वही बच गया है पात निकालने वाला क्वेश्चन बच गया है और एक हाँ बस एक पात वाला ही क्वेश्चन बचा है ठीक है बाकी सारे टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके इतना बहुत होगा आप लोगों के लिए ठीक है प्रायोरिटी यही होगी कि पहले सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए जाए क्लियर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम हर टॉपिक पे एक्स्ट्रा लेक्चर बना सकते हैं क्लियर लाइक एल्जेब्रा है क्लियर उस पर अभी हम लोग अगर टाइम परमिट करता है अगर हमारे पास लाइक like, मेन के लिए वैसे तो जितना एलजेब्रा डिस्कस करा है वैसे आपके लिए काफी है उतना एलजेब्रा ठीक है टेग्नोमेट्री जितनी डिस्कस की है वो काफी है क्लियर मैंसूरेशन जियोमेट्री जितना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो बहुत है क्लियर बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है बट अगर टाइम परमिट करता है तो जैसे वीडियोस बना लेंगे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के ठीक है दे आर वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल हर साल आप लोगों से पूछता है ठीक है दो चार क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उनके आंसर भी याद रख लो ठीक है सेवनटी एट्टी परसेंट प्रॉबेबिलिटी होगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पे आएंगे ठीक है और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि उन्हें मैं सॉल्व करने जाऊं ना तो पांच मिनट खा जाएंगे मेरा ठीक है और सी में वो क्वेश्चन हर दूसरे साल रिपीट हो रहा है क्लियर तो वैसे कुछ क्वेश्चन है उन्हें याद ही करके चले जाना है एग्जाम्स पे ठीक है क्योंकि उन उनपे कोई फंडे कोई अप्रोच नहीं है आपको सिंपली उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा और अगर आप उन्हें सॉल्व करने जाते हैं तो आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है क्लियर तो वैसे कोई क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जो कि हर बार आ रहे हैं और मुझे भी लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सी जी एल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पक्का से कर लेना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है वो पेपर क्लियर और सी डी एस एग्जाम्स के भी पेपर कर लेना अगर लेवल टफ रहा तो क्लियर चलो आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं इससे पहले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने ट्रपीजियम पढ़ा था पढ़ा था और से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी होपफुली आपने उस लेक्चर का प्रॉपर नोट्स बनाया होगा और आपके पास वो आप लोगों को वो सारी प्रॉपर्टीज याद होगी क्लियर आज आज इस लेक्चर में ट्रेपीजियम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्लियर चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ओके okay, देखो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ पैरल साइड ए बी एंड डी सी थ्री सेंटीमीटर सबसे पहले तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसपे की पैरल साइड क्या है ए बी और सी डी क्लियर तो सबसे पहले तो एक ट्रेपेजियम ही बना लेते हैं ठीक ए बी ये ट्रेपेजियम है और पैरल साइड क्या है ए बी है और डी सी है ये दो इसके पैरल साइड है क्लियर ओके ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरल साइड ठीक है ई और एफ क्या है नॉन पैरल साइड के मिड पॉइंट है तो आप लोग मान लो दिस इज ई एंड दिस इज क्लियर इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं अच्छा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ मतलब ये वाला ई एफ सी डी ई एफ सी डी ठीक है क्लियर क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छा एक और दिया है कि ए बी कितने का है टू सेंटीमीटर का है और डी सी कितना है थ्री सेंटीमीटर का। क्लियर? ओके और आपको निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ट्रिपीजियम ए बी एफ ई अपॉन ट्रिपीजियम ई एफ सी डी क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा अब आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों को बताया था इन केस ऑफ ऑफिजियम जब जो नॉन पैरल साइड के मिड पॉइंट को जोड़ा जाता है क्लियर तो जो ई एफ का लेंथ क्या होगा ए बी प्लस डीसी अपॉन टू ये बात मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस की थी और मैंने बोला भी था यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो यह कितना हो जाएगा देखो टू प्लस थ्री डिवाइड बाई टू तो यह हो जाएगा टू प्लस थ्री डिवाइड बाय टू क्लियर एंड दिस कम आउट टू बी योर फाइव बाय टू मतलब ई एफ की लेंथ कितनी आ जाएगी ई एफ की लेंथ आ जाएगी फाइव बाय टू क्लियर ओके नाओ अब देखो एरिया ऑफ प्रपिजम ए बी एफ ई ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है अब मेरे दिमाग पे ये स्ट्राइक होना चाहिए ट्रिपीजियम का एरिया होता है वन बाय टू टू पैरल साइड इनटू हाइट ये ट्रिपीजियम का एरिया होता है मुझे पता है इसके मतलब अब मुझे जरूरत है हाइट की क्लियर बाकी सब तो मेरे पास आ चुका है अच्छा अब एक बात बताओ मुझे। देखो ए बी है सी डी है क्लियर ई e और एफ इसके इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है क्लियर तो सिमेट्री अगर ये एच हुआ तो ये भी कितना होने वाला है एच ही होने वाला है क्लियर क्योंकि यार ऐसे समझो मिड पॉइंट मतलब इक्वल ये इक्वल डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस है और दोनों के मिड पॉइंट को जोड़ता हूं तो वो इसके पार्लल ही जाएगा क्लियर क्योंकि सी डी और ए बी तो पार्लल है अब दोनों के मिड पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूं तो जो ई एफ बनेगा वो पार्लल होगा किसके सी डी के पैरल होगा और ई एफ का लेंथ क्या होगा ई एफ का लेंथ होगा हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी क्लियर और ई एफ का डिस्टेंस क्या होगा ई एफ क्या ए बी और सी डी से इक्वी डिस्टेंस पे होता है क्लियर मतलब ये एच है तो ये भी एच है क्लियर ठीक है ना ये बात याद रखना इसी पे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सीजीएल पे ठीक है अभी हम लोग सीजीएल के क्वेश्चन देखेंगे तो सेम ये सारे सीजीएल के ही क्वेश्चन आपके मेन्स पे जो आए हुए हैं क्लियर तो वही क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार सेम कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्रपीजियम से ही क्वेश्चन आएगा अगर ट्रपीजियम का कोई क्वेश्चन वो उठाता है तो क्लियर तो ट्रिपिजम ए बी एफ ई e का एरिया लिखो ए बी एफ ई का एरिया क्या हो जाएगा ए बी एफ ई का एरिया होगा वन बाय टू इन टू समू पैरल साइड मतलब टू प्लस फाइव बाय टू इन टू हाइट हाइट इज एच अपॉन ई एफ सी डी का लिखो ई एफ सी डी का लिखो वन बाय टू सम ऑफ़ समल साइड थ्री प्लस फाइव बाय टू इंटू एच क्लियर वन बाय टू वन बाय टू कैंसिल आउट एच से एच कैंसिल आउट ये कितना हो जाएगा टू फोर नाइन बाय टू और ये कितना हो जाएगा इलेवन बाई टू क्लियर टू से टू कैंसिल आउट तो मेरे पास क्या बच गया नाइन बाय क्लियर ठीक है देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके मेंस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं क्लियर ठीक है ना कोई ज्यादा मतलब प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो

तो आंसर विल बी ऑप्शन सी क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2013 पे आया था क्लियर देखो बहुत ही क्वेश्चन है क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है क्लियर मैं हमेशा ये बोलता हूं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा सोल्यूशन उतना सिंपल होगा क्लियर देखने में मतलब लोग डर से जाते हैं कि यार ना कोई नंबर है ना कुछ है इसे कैसे अप्रोच करो बट आप अप्रोच तो करो जो आप लोगों को बताया गया है वो लगाओ क्वेश्चन पक्का हो जाएगा ट्रस्ट वे क्लियर ओके चलो देख लेते करके ए बी सी डी इज दिपीजियम क्लियर ट्रिपीजियम बना लो ए बी सी डी क्लियर ए बी सी डी इज ए ट्रिपीजियम विथ ए डी एंड बी सी पैरल साइड ठीक है ये और ये क्या है आपस में पैरल वो तो होते ही है ट्रिपीजियम ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी ई पॉइंट है बी सी में अपने on bc अब देखो कहीं मेंशन किया e पॉइंट कहीं है कहीं भी मेंशन नहीं है कि e पॉइंट कहीं कहाँ पर है ठीक है तो मैं क्या मैं हमेशा यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है e पॉइंट को लेने के लिए तो मैंने बोल दिया e यहाँ पर है एक पॉइंट उसने यही बोला ना e इज अ पॉइंट ऑन bc bc में एक पॉइंट है e ठीक e है e पॉइंट ये है द रेशियो ऑफ ट्रायंगल a सॉरी द रेशियो ऑफ एरिया abcd ए बी सी डी टू दैट ऑफ डी मतलब ए डी e, उसने इसे जोड़ा हुआ है क्लियर तो मैं भी जोड़ देता हूं क्लियर ठीक है मतलब ये मतलब ट्रेपेजियम का एरिया अपॉन ट्राइंगल का एरिया जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ ई e को जोड़ने के साथ e, ट्रेपेजियम का एरिया अपॉन ट्राइंगल का एरिया वो मुझसे ये पूछना चाहता है क्लियर कैसे अप्रोच करूंगा कोई नहीं आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है बिल्कुल पता होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है देखो वन बाई टू इन टू समू साइड डी प्लस बी सी इन टू हाइट क्लियर अब हाइट यहां पर है नहीं तो मैं एक हाइट मान लेता हूं कि इसकी हाइट क्या है इस ट्रिपीजियम की हाइट है एच इसकी हाइट मैंने क्या मान ली एच ठीक है ये जो ब्लैक वाला खींचा ना मैंने लाइन दिस इज एच क्लियर ओके एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट बेस क्या है एडी और हाइट क्या है हाइट इज दिस एच जो ट्रेपेजियम की हाइट है वही ट्राइंगल की हाइट है क्लियर हाफ से हाफ कैंसिल आउट एच से एच कैंसिल आउट आपके पास क्या आ गया है? एडी प्लस बी सी अपॉन ए डी ऑप्शन नंबर डी क्लियर क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है क्वेश्चन में जो बोलते जाएगा बस वही करते चलना है क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट सॉल्व हो जाता है हमेशा क्लियर ठीक है देखा कितना कितना सिंपल क्वेश्चन था वर्बली वर्बली सॉल्व हो जाता है इस ये क्वेश्चन सही बता रहा हूं मैं वर्बली ठीक है डायरेक्ट आप लोग आंसर मार सकते थे डी क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सी द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेफीजियम आर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर एंड फोर्टी सेंटीमीटर ओके इफ देंथ ऑफ इच ऑफ इट्स है वो बता रखे बारह बारह सेंटीमीटर के इसका मतलब दोनों जो नॉन पैरल साइड है वो सेम लेंथ के हैं इसका मतलब ट्रपीजियम कैसा ट्रिपीजियम होता है ट्रिपीजियम मेरा आइसोसलिस ट्रपीजियम होता है क्लियर आप लोगों को भी ये बात पता है ओके okay. ठीक है एक प्रीजियम बनाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है इसे नाम दे दो कुछ भी ए बी सी ठीक थी। है ये ट्वेंटी एट है ये फोर्टी है ये ट्वेल्व है और ये ट्वेल्व क्लियर मुझे अब इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है क्लियर ओके okay. अच्छा अब एक बात देखो यहां देखो आप जब आइसोसलिसम पे क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप से अप्रोच करना है ठीक है ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे आइसोस्लिसियम में सी ए से आप एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दो सिमिलरली डी से एक आप पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दो क्लियर इतनी बात क्लियर अच्छा अब देखो आइसोसलिस्ट ट्रपीजियम पे ऐसे ही अप्रोच होता है ठीक है मोस्टली क्वेश्चन पे अब देखो क्योंकि ये आइसोसलिस्ट ट्रपीजियम है तो इस पे एकदम सिमेट्री रहती है क्लियर मैंने वहां से परपेंडिकुलर पर, ड्रॉप करा से आई विल से दिस साइड इज ए डैश एंड डी डैश उसके बाद जो ये ट्राइंगल बनता है ना आपका ए ए डैश बी और डी डी डैश सी ये जो दो साइड में ट्राइंगल बने क्योंकि ये है है तो क्या होता है? ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है आपस में क्या होते हैं होते हैं क्लियर कैसे ट्राइंगल होते हैं ये लोग ये आपस में कांगुरेंट ट्राइंगल्स होते हैं क्लियर ये बात याद रखना क्लियर ओके ठीक है अब देखो अब ए डी जो है अट्ठाईस का है तो ए डैश डी डैश ये भी कितने का होगा अट्ठाईस का ही होगा okay, अगर सी डी को मैं X मान लेता हूं, तो आपका ए बी भी कितने का होगा ये वाला ए डैश बी भी कितने का होगा एक्स ही होगा क्यों क्योंकि आपको पता है इनकेस ऑफ आइसोसलिस ट्राइंगल ये जो दो ट्राइंगल जो फॉर्म बन के आते हैं ये कैसे होते हैं कॉन्गोरे ट्राइंगल्स होते हैं क्लियर और आपको यह भी बात पता है कि सी बी टोटल कितने का है फोर्टी का है ठीक है तो आप लिख सकते हो ट्वेंटी एट प्लस का टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टी क्लियर इसका मतलब आप लिख सकते हो टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व और एक्स इज इक्वल टू सिक्स क्लियर आप लोग लिख सकते हो कि जो ए डैश बी ये सिक्स का है और ये सिक्स का है इतनी बात क्लियर बेस निकाल लिया ठीक है मेन मोटो क्या था मेन मोटो तो यहां पर यही है कि कहीं से ट्रपीजियम का हाइट निकल जाए सम ऑफ टू पैर साइड तो पता ही है हाइट तो okay. आपको बेस पता, है आपको, पता है।, ये है आपको ये बात भी पता है तो ए डैश कैसे निकालोगे सीधा इस लगाओ तो आप लोग लिख सकते हो से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश बी का स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू ए डैश बी का स्क्वायर इज थर्टी सिक्स प्लस ए ए डैश का स्क्वायर क्लियर तो यहां से आपका ए ए डैश आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन हंड्रेड एट वन और 108 को क्या लिख सकते हो आप लोग 108 के फैक्टर्स देख लो 108 250, 4, 2 एट टू फिफ्टी फोर टू 3 सेवन 3 नाइन 3, 3, क्लियर तो 108 को आप लोग क्या देखो ये दो बाहर निकल के एक दो निकलेगा ये दो बाहर निकलेगा तो बाहर कितना निकला सिक्स रूट थ्री क्लियर ए ए डैश कितना आ गया आपके पास ये आ गया आपके पास सिक्स रूट थ्री क्लियर अब एरिया ऑफ ट्रपीजियम लिखना है अब तो सीधा है एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज वन बाय टू इन टू

इंटू थ्री कितना होगा 204 सौ चार टू हंड्रेड फोर रूट थ्री ऑप्शन नंबर ए क्लियर तो जो आइसोसलिस के जो क्वेश्चन होंगे उसे इस तरीके से अप्रोच करना क्लियर क्लियर है ना ओके okay. Next question. See. ABCD is a trapezium where AD is parallel to BC. The diagonal AC and BD intersect each other at point O. If AO is equal to 3, CO is equal to this, BO is equal to this, and DO is equal to this, find the value of X. Clear? ओके okay, देखो बोला क्या गया है सबसे पहले फिगर बना लेते हैं यही बोला है ए बी सी डीजी टू बी सी क्लियर ए डी क्या है पैरल है इफ एओ इज इक्वल टू थ्री ए को बता रखा है थ्री सी ओ इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री ओके बी ओ इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइनटीन एन डी ओ इज इक्वल टू एक्स माइनस क्वेश्चन देखते ही दिमाग पर स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है सिमिलर ट्राइंगल के अप्रोच से ही सॉल्व होगा क्योंकि डाइनल्स पे जो रिलेशन है ट्रेपीजियम पे वो मैंने आप लोगों को जो प्रूफ कराया था ठीक है वो मैंने सिमिलर ट्राइंगल से ही प्रूफ कराया था डाइंगल्स के जो रिलेशन होंगे जिन्हें वो याद है वो तो डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं ठीक है जिन्हें वो याद नहीं है कोई नहीं है आप लोग यहां पर बहुत आराम से सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट लगा के इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो क्लियर आपको पता है अगर ये एंगल वन है तो ये भी एंगल क्या होगा वन कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर अगर ये एंगल टू है तो ये भी एंगल क्या होगा टू होगा कौन सा एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको पता है ए डीज टू बी सी है तो यहां पर जो एंगल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स के साथ वो कौन सा एंगल होता है एंगल्स। एंड दिस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल थ्री क्लियर तो आप लोग क्या बोलोगे ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल बी ओ सी के क्लियर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं ठीक है थीके? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर मैं देखू ठीक है देखो वन के अपोजिट क्या है छोटे ट्राइंगल में ए डी है बड़े ट्राइंगल में वन के अपोजिट बी सी है छोटे ट्राइंगल में टू के अपोजिट थ्री है बड़े ट्राइंगल में टू के अपोजिट एक्स माइनस थ्री है छोटे ट्राइंगल में थ्री के अपोजिट एक्स माइनस फाइव है और बड़े ट्राइंगल में थ्री के अपोजिट थ्री एक्स माइनस है क्लियर बस अब इसे आपस में सॉल्व कर लो ये वाले टर्म ये वाला तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो मैं यहीं से सॉल्व कर लूंगा क्लियर इस वाले को मैं हटाई देता हूं तो मैं इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा नाइन एक्स माइनस फिफ्टी सेवन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस का फिफ्टीन ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो आप लोग लिखोगे नाइन एक्स माइनस का फिफ्टी सेवन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस का फिफ्टीन क्लियर इन दोनों को वहां ले जाते हैं तो आप लिख लिखोगे एक्स माइनस का सेवनटीन एक्स प्लस का प्लस इज इक्वल टू जीरो क्लियर अब सत्रह को बहत्तर में तोड़ना है सेवनटी टू कहां कहां देखते हो आप लोग क्लियर अगर मुझे सेवेंटी टू देखना हो तो आप देखो सत्रह तक पहुंचना है सत्रह के सबसे पहले ना देखो ट्रिक क्या होता है सबसे पहले इसके मिड पॉइंट पे आओ सत्रह का मिड पॉइंट कहां पर है सत्रह का मिड पॉइंट है लगभग साढ़े आठ ठीक है ना साढ़े आठ और बहत्तर आप लोग आठ के आसपास कहीं देखते हो क्या हाँ देखते हैं नाइन एट जै सेवेंटी टू बस वहीं पे फैक्टर मिल जाता है आप लोगों को क्लियर तो मेरे पास क्या हो गया एक्स इसे क्या लिखूंगा मैं नाइन एट एक्स प्लस सेवेंटी टू इज इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वाइनस का नाइन एक्स माइनस का एट एक्स प्लस का सेवेंटी टू इज इक्वल टू जीरो से आप लोग x कॉमन ले लो x माइनस नाइन माइनस एट कॉमन ले लो x माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो क्लियर तो यहां से आपका आ गया x इज इक्वल टू नाइन कॉमा एट या तो एक्स नौ हो सकता है या तो एक्स आठ हो सकता है क्लियर ठीक है आप चाहे तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू यहां से रख के भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मन नहीं है तो क्लियर क्लियर ओके okay, so ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कुछ था नहीं है ठीक ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज वन सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज टू बाय इलेवेंथ ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इफ द रेशियो ऑ ऑफ लेंथ ऑफ दैरल साइड इज फोर इज टू सेवन देन द लेंथ ऑफ अ डायग्नल इन सेंटीमीटर इज क्लियर ओके देखो आइसोसलीस ट्राइंगल है दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी क्लियर ऐसे ट्राइंगल है तो आपको पता है कि नाइनटी होता है इतना बात आप लोगों को पता है क्लियर ओके okay. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पैरल साइड इज फोर इज टू सेवन ठीक है अगर मैं इसे फोर एक्स मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा सेवन एक्स हो जाएगा ओके ठीक है अच्छा अब देखते हैं एंड द हाइट इज टू बाई इलेवेंथ ऑफ द सम ऑफ इट्स की हाइट की अगर मैं बात करूं तो टू बाई इलेवेंथ टाइम सम ऑफ इट्स पैरल साइड मतलब फोर एक्स प्लस सेवन एक्स तो ये आ गया एच इज इक्वल टू टू ये 7 4 11 11 11 कैंसिल आउट h आपका 2x है क्लियर इतना भी आ गया मेरे पास क्लियर तो एरिया ऑफ ट्रैपिजियम दिया हुआ है आपको 176 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है आपके पास देखो दोनों पैरेलल साइड की लेंथ है और हाइट का भी लेंथ है तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रैपिजियम 1 2 सम ऑफ पैरेलल साइड 4x प्लस सेवन एक्स इन टू हाइट टू एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटी सिक्स यही है ठीक है दिस टू विल कैंसिल आउट विद दिस टू फोर प्लस सेवन इलेवन एक्स इन टू एक्स ये कितना हो जाएगा इलेवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटी सिक्स और यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्स और यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू फोर मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास फोर आ गई x की वैल्यू जैसे ही फोर आती है तो आप लोग लिखोगे ये कितने का हो जाएगा ये मतलब मेरा सोलह का है ये मेरा आठ का है ये वाला मेरा ट्वेंटी एट का है क्लियर आपको निकालना है क्या है आपको निकालना है डाइगनल्स क्या होगा इसका ठीक है डाइगनल मतलब से बीसी या एसी कुछ भी निकालना है? मैं बोल देता हूं बीसी ले लेते हैं ठीक है बीसी यही होगा तो बीसी कहां से निकलेगा आपका देखो बीसी क्या है बीसी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो ये ट्राइंगल है सी सी डैश और बी इस ट्राइंगल का जो हाइपोटनस है बीसी वो इस प्रियम का क्या है डाइगनल है इसका मतलब अब मुझे पता है सी सी डैश कितना है मुझे पता है आठ है ये कहीं से मैं बी सी डैश निकाल लू तो मैं थ्योरम से बी सी आराम से निकाल सकता हूं ठीक है और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया आइसोसलीस ट्राइंगल में क्या होते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गोरेंट होते हैं इसका मतलब ये एक्स है तो ये भी कितना होगा ये भी एक्स होगा और ये कितना है ये तो आपको दिख ही रहा है सोलह है और ये टोटल कितना है 28 है तो आप लोग लिख सकते हो 16 प्लस का 2x इज इक्वल टू 28 और आप लोग लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 12 और आप लोग लिख सकते हो x इज इक्वल टू कितना है 6 है इसका मतलब ये कितने का है ये 6 का है ये भी कितने का है 6 का है और ये कितना है ये 16 का है क्लियर तो मेरे पास बी सी डैश कितना आ गया बी सी डैश कितना आ गया आपके पास सिक्सटीन प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेंटी टू क्लियर आपको निकालना क्या है बीसी बस तो क्या होगा आप लोग पाइथागोरस तो थ्योरम लगा दो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी टू का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर ट्वेंटी टू का स्क्वायर फोर एटी फोर और एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर तो क्लियर एड करोगे एट फाइव फोर्टी एट का स्क्वायर हो जाएगा तो बीसी कितना हो जाएगा बीसी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ फाइव फोर्टी एट फाइव फोर्टी एट के फैक्टर्स अगर आप लोग देख लो तो आंसर मिल जाएगा ठीक है अब वन थर्टी सेवन तो प्राइम नंबर बन गया इससे आगे जाएगा नहीं तो बीसी कितना आ जाएगा बी सी आ जाएगा आपके पास टू रूट वन थर्टी सेवन क्लियर बी सी कितना बी सी बी सी कितना आ जाएगा टू अंडर रूट वन थर्टी सेवन ये भी आपके CGL के ही क्वेश्चन थे इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे सीजीएल को अप्रोच कैसे करना है होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ऊपर से दो पर डालो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गोरेंट होंगे वहां से हाइट निकल के आ जाती है हमेशा क्लियर ओके इस लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अब के एक या दो लेक्चर्स और होंगे बाकी लेक्चर्स हम बाद में ही देखेंगे क्लियर होपफुली एक और लेक्चर होगा का इसके बाद हम बाकी टॉपिक एज हो गया पार्टनरशिप हो गया रेशियो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे फिर इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे क्लियर